अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सभी के इस नई वीडियो में। जैसे आप सभी को बताया कि पीएमएस सेशन 22-23 की प्रोसेस चल रही है, इस बीच मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने चॉइस फिलिंग भी अपनी कर दी और रजिस्ट्रेशन की आज लास्ट डेट है, वो तो आपको पता है, लिंक क्लोज हो जाएगी जल्दी ही। तो आज इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि आधार लिंकिंग पर, क्योंकि आधार लिंकिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका आधार लिंक नहीं है अपने बैंक अकाउंट के साथ तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, भले ही आपकी सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि लास्ट ईयर 90% कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनको आधार लिंकिंग नहीं थी, फिर उनको जो है जो कॉलेज अलाट हुआ वहाँ वो चले गए, फिर उनको पता चला कि आधार लिंकिंग ही नहीं है, फिर वापस आना वहाँ से पड़ा, तो फिर वो लंबी प्रोसेस होती। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिनको अभी भी आधार लिंकिंग नहीं है, क्योंकि कल कुछ कैंडिडेट्स फ़ोन कर रहे थे, उनका अभी भी कोई भी एक पैसा भी नहीं आया, इवन कि जो पहले 20,000 आते हैं वो भी उनको नहीं आए, क्योंकि सब स्कॉलरशिप, चाहे एक रुपया क्यों ना हो या कोई भी स्कॉलरशिप हो, NSP, PMSS, वो सब कुछ आपको आधार लिंकिंग पर ही आती है। इसलिए आपको आधार लिंक करवाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसी को लेकर मैं इस वीडियो में बात करूँगा कि आधार लिंकिंग कैसे चेक करने हैं कि आपका आधार लिंक है या नहीं है, उसके साथ साथ अगर नहीं है लिंक वो कैसे देख लेना और कैसे लिंक करना है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि ये सारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो पॉइंट है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार अच्छी तरह से देख लेना इस वीडियो को। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, आधार कार्ड क्यों इंपॉर्टेंट होता है, जो आपका बैंक अकाउंट होता है वो आधार के साथ लिंक होना चाहिए। जब PFMS में आपका डाटा चला जाएगा तो PFMS में चेक करते हैं, PFMS से आपकी पेमेंट आती है, AICT से रेफ़र हो जाए, PMSS देन हेड PMSS देन फाइनेंस में ही PFMS डिपार्टमेंट होता है जो आपकी स्कॉलरशिप वगैरह डिसबर्स करती है। तो वहाँ पर जब चेक किया जाता है कि आपका आधार, वहाँ आपका अकाउंट नंबर नहीं देखा जाता है, जो आपने DBT में दिया जाओ या फॉर्म फिलअप करते समय आगे दे दोगे आप DBT का फॉर्म भरते समय, वो नहीं देखा जाता, वहाँ आपका आधार नंबर देखा जाता है। आधार नंबर देख लेंगे, अगर आपका कोई अकाउंट लिंक होगा, ठीक, आधार के साथ कोई अकाउंट लिंक होगा तो वो वहां पे नीचे अकाउंट चढ़ेगा और उसी पे आपको पैसे आ जाएंगे। अब अगर आपका आधार लिंक ही नहीं है तो आपको एक भी पैसा नहीं मिलेगा, तो आपको फिर मैसेज आ जाएगी, यूअर आधार इजंट लिंकेड। तो फिर क्या है कि आपको आगे चल के फिर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी, फिर लिंक करवाना पड़ेगा वो आपको, फिर वहाँ से आना पड़ेगा, बैंक पे जाना पड़ेगा, सब कुछ, वो लंबी प्रोसेस है। इसलिए अगर आप आज ही ये सब करवा लोगे तो आज आपको एक या दो दिन लगेंगे, फिर उस टाइम जब आपकी वहाँ पे ज्वाइनिंग होगी वहाँ से वापस आना पड़ेगा, आपको किराया वगैरह, वो फिर लंबी प्रोसेस होती है। तो मैं दिखाऊँगा आपने पहले कैसे चेक कर लेना। उससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है आधार लिंकिंग, एक होता है आधार सीडिंग। जब आप बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे बोलेंगे कि यार जब हमने अकाउंट खोला था हमने तो वहाँ पे आधार कार्ड अपना दिया, वो तो लिंक होगा। देखिए, जब आपने वहाँ पे आधार कार्ड दिया वो सीड होता है, सीड और लिंक अलग होता है। सीड जब आपने किया वहाँ पे आधार कार्ड, मतलब जब अकाउंट आपने ओपन किया तो आपका वहाँ पे आधार नंबर आपका सीड हो गया, आपको वहाँ पे आधार नंबर आपने चढ़ा दिया, हो गया सीड। उसके बाद DBT के बेनिफिट्स के लिए आपको वहाँ पे उनको एक्टिवेट उसको करना होता है और आधार को जो है वो लिंक करना होता है। सीड अलग होता है और आधार लिंक करना होता है, देन उसके बाद उसको एक्टिव कर देना होता है। ये सब कुछ आपको बैंक से हो जाता है। सीड अलग होता है और लिंक अलग होता है। सीड तो हर किसी का होता है लेकिन लिंक हर किसी का नहीं होता, क्योंकि जिन्होंने पहले अकाउंट बनाए हैं वो किसी का लिंक नहीं होता है और जो आज भी बनाते हैं वो भी लिंक नहीं होते हैं, वो लिंक करवाने पड़ते हैं। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि आपने आधार लिंकिंग कैसे चेक कर लेना है। उससे पहले एक बात और समझ लीजिए कि आपका आधार, अगर आपने दो या तीन अकाउंट्स आपने दिए हैं, तीन में से एक ही के साथ आधार लिंक होगा, दो या तीन के साथ आधार सीडेड होगा, ठीक। तो आपने क्या काम कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में आपको आधार की वेबसाइट मिलेगी, उस पर आपने टैप कर देना है। देन टैप करने के बाद साइट को आप डेस्कटॉप मोड पे रख लीजिए। यहाँ पे मैं साइट को एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। एंड देन डेस्कटॉप मोड पे रखने के बाद आपको इस तरीके का साइट जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने क्या काम कर लेना है, यहाँ पे आपको थ्री डॉट्स का एक ऑप्शन मिल रहा है, आपने सिंपली इस थ्री डॉट्स पे टैप कर देना है। थ्री डॉट्स पे टैप करने के बाद माई आधार आपको दिख रहा है, इस पर इधर वाले कोने पर आपने टैप करना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको आधार सर्विसेज का एक ऑप्शन दिख रहा है, आपने सिंपली क्या काम करना है, आधार सर्विसेज पर यहाँ पर आपने टैप कर देना। आधार सर्विसेज पर टैप करने के बाद यहाँ पर आपके पास नीचे जो ही आ जाओगे काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर नीचे आना है आपने और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखिएगा आधार लिंकिंग स्टेटस, ठीक, आपको आधार लिंकिंग स्टेटस पे टैप कर देना, नहीं तो मैं आपको डायरेक्ट आधार लिंकिंग स्टेटस की लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके टैप कर देना, आप डायरेक्ट यहां पे आ जाओगे। तो यहां पे आने के बाद आपको इस तरीके की आधार लिंकिंग की जो है जो NPCI का सर्वर है वो यहां पे NPCI की साइट ओपन हो जाएगी, आधार लिंकिंग का स्टेटस यहां पे आपको दिखेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या काम कर लेना है, अपना आधार नंबर यहां पे डाल देना है, उसके बाद ये जो यहां पे कैप्चा कोड लिखा है इसको यहां पे डाल देना है। लेकिन इसमें एक बात का ख्याल रख लेना है, आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड के लिंक होना चाहिए, क्योंकि उसी पे आपको जो है
OTP आ जाएगी। अगर इन केस आपका आधार नंबर मोबाइल नंबर के साथ लिंक नहीं है तो आप आधार सेंटर चले जाएं, एक दिन में वो वहाँ पे लिंक हो जाएगा। हर डिस्ट्रिक्ट में दो दो तीन तीन जगहों पे होता है, वहाँ पे आपको 100 रुपये का एक फॉर्म लगता है, 100 रुपये फॉर्म तो फ्री में मिलता है, 100 रुपये उसकी फ़ी देनी पड़ती है और आपका वहाँ पे मोबाइल नंबर लिंक करवा देंगे। तो यहाँ पे मैं ये सब डिटेल्स, ये सारी डिटेल्स डालने के बाद आपने यहाँ पे सेंड OTP पे टैप कर देना है। OTP पे जो ही आप टैप करोगे आपके पास OTP सेंड, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो होगा उस पर OTP आ जाएगी। देन यहाँ पे आपने सबमिट कर देना है। सबमिट जो ही करोगे आपके पास यहाँ पे स्टेटस आ जाएगा, कंग्रेचुलेशंस योर आधार बैंक मैपिंग हैज़ बीन डन। और यहाँ पे आपको जो है आधार नंबर के लास्ट के 4 डिजिट्स दिखेंगे, बैंक लिंकिंग स्टेट्स यहाँ पे दिखेगा और आपने लिंक कब करवाया था। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 दिसंबर को यहाँ पे 2020 में लिंक हुआ था और कौन से बैंक के साथ यहाँ पे लिंक है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक यहाँ पे ऐसा दिखा रहा है। देन उसके बाद यहाँ पे अब जिनका यहाँ पे लिंक नहीं होगा उनको दिखा रहा है आधार इजेंट लिंकिंग, तो जिनका यहाँ पे लिंक दिखाएगा जिस भी बैंक के साथ। अगर किसी का यहाँ पे लिंक दिखा रहा है यहाँ पे लेकिन इनएक्टिव दिखा रहा है, उसके लिए भी आपने क्या काम कर लेना वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जिनका यहाँ पे लिंक दिखाएगा उनको कोई भी परेशानी लेने की जरूरत नहीं है, उनको कुछ भी नहीं करना है, बस इतना हो गया आपका लिंकिंग है तो हो गया। यहाँ पे आपको ख्याल रख लेना है यहाँ पे एक ही अकाउंट आपको दिखेगा जिसके साथ लिंक होता है। पहले मैंने बोला लिंक एक ही के साथ होता है, सीड आपको 2-3 के साथ हो सकता है। तो अब जिनका यहाँ पे लिंक नहीं है उनको कैसे कर लेना, या जिनका यहाँ पे इनएक्टिव बता रहा है उनको क्या काम कर लेना, आपको सिंपली क्या काम करना, अपने नियरेस्ट जो बैंक होगा जहां पे आपका अकाउंट है, जेके बैंक हो या SBI HDFC बैंक जो भी होगा, उधर चले जाना है। उधर चले जाने के बाद उनको बताना है कि मुझे आधार लिंक करना है DBT बेनिफिट्स के लिए, स्कॉलरशिप जो है उसके लिए मुझे ये काम है। तो वो वहां पे आपको विद इन 5 मिनट्स कर देंगे, कभी कभी 10 या 15 मिनट्स भी लग जाएंगे लेकिन 5 मिनट का ही काम है। अब वो बैंक वाले कभी कभी सताते हैं, 1 या 2 दिन कहते हैं आओ जाओ, वो तो चलता रहता है, लेकिन आप कल चले जाना। जिन कैंडिडेट्स की परसेंटेज 80+ है तो वो चले जाओ, क्योंकि जो सेफ जोन में वही करवा के रख लो अभी। इनके इस कैटेगरी मतलब सभी अगर कर लोगे तो भी कोई इशू नहीं है इसमें, आप करवा लो सभी जिन कैंडिडेट्स की जो भी परसेंटेज है, क्योंकि ये आपको PMSS में ही नहीं, ये आपको आगे चल के भी और भी हर जगह पे काम आएगा। तो आपने क्या काम कर लेना, आपने बैंक पे चले जाना है, वहाँ उनको बता देना है। इसके लिए कोई भी फॉर्म आपको नहीं भरना है, कोई भी कुछ एप्लीकेशन नहीं लगती है, डायरेक्टली आपको वहाँ पे चले जाना है, उधर बता देना है उनको कि मुझे आधार लिंक जो है वो करवा लेना है। तो वो वहाँ पे आपका चेक कर लेंगे, आपका आधार लिंकड हो जाएगा। अभी यहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनको आधार लिंक नहीं हुआ होता होगा, तो उनको क्या काम कर लेना है, जो बैंक अकाउंट पे आपकी डिटेल्स हैं और आधार कार्ड पे जो डिटेल्स हैं वो दोनों मैच होनी चाहिए। स्पेशली जो डेट ऑफ बर्थ होती है आधार और बैंक में जो फॉर्म अकाउंट ओपन करते समय आपने डाली थी वो ठीक होनी चाहिए। इनकेस अगर वो डिफरेंट है तो बैंक की जो है उसको चेंज कर लो और आधार कार्ड के हिसाब से वहाँ पे आपकी डिटेल्स होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो था आधार लिंकिंग के बारे में, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आए थे इसके बारे में, तो मैंने सोचा वीडियो बना लूँ। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चल के अगर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी तो फिर वो सही नहीं रहता, इसलिए आज ही आप इस सब चीज़ों को सुधार के रख लो। ये जो भी इश्यूज वगैरह हैं इनको आज ही आप क्लियर करके रख लो। बाकी कोई और कंफ्यूजन है जिसके बारे में वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।